भिंड के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत फल मंडी के आगे रतनपुरा रोड पर पूजा यादव नाम की महिला के घर में एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला था। वह महिला भी घायल हो गई थी, जिसके बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि महिला का पति फौज में है, जो कि जम्मू कश्मीर में पदस्थ है। भिंड के जिला अस्पताल में एक महिला घायल होने के बाद इलाज के लिए आई थी, जिसे प्राथमिक उपचार कर ग्वालियर रेफर किया गया। वही जब उसके रिश्तेदार घर पहुंचे तो महिला के घर से नरेंद्र ओझा नाम के व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक महिला का पति अरविंद यादव फौज में है और वह जम्मू कश्मीर में पदस्थ थे। उनके 3 बच्चे भी है। अरविंद यादव अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टी काट कर घर से गया था। इसके कुछ दिन बाद ही ये घटना हो गई। फिलहाल महिला कुछ भी बोलने में असमर्थ है। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है, ताकि मामले का खुलासा हो सके। हर मंडी के पीछे एक घर में एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है, तो उस पर से मर कायम करके जांच की जा रही है। वर्तमान जांच कहां तक पहुंची है? अभी जांच चल रही है। व्यक्ति कैसे मरा उसकी जांच कर रहे हैं। आज पीएम कराया जा रहा है। घटनास्थल पर ही एक महिला भी घायल अवस्था में ली है, और जिसको अभी ग्वालियर में इलाज चल रहा है। बोलने की स्थिति में नहीं, और उसके हो सकते आने पर पूरी घटना सब जानकारी मिल जाएगी।